अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है। मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सैयदा नौरोज नकवी इस्लामाबाद से पूछती हैं कि सर एक्सप्लेन कीजिए रेज़्यूमे और सीवी में क्या फ़र्क है। सो क्योंकि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और बिगनर लेवल जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स का ये सवाल होता है कि दोनों डॉक्यूमेंट में फ़र्क क्या और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। सो आई थॉट कि इस पर एक ब्रीफ शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करते हैं। सो हमेशा याद रखें, जब भी आप रेज़्यूमे बनाते हैं, रेज़्यूमे डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर आप फोकस करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को ब्रीफली प्रिसाइजली आप एक से दो पेजेस की डॉक्यूमेंट में कंपाइल करते हैं। और जब आप सीवी बनाते हैं, इसका मतलब है आप डेप्थ में जाएंगे, डिटेल में एकेडमिक क्वालिफिकेशन से शुरू करके आप अपनी कंप्लीट क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स एंड देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को चेक करें तो यूएसए में ज़्यादातर रेज़्यूमे का डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और यूएसए में अगर किसी यूएसए एंड कैनेडा में ख़ास तौर पर अगर किसी ने सीवी बनाना होगा तो वो सिर्फ उस वक्त बनाएंगे जब उन्होंने अपनी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में रिसर्च बेस्ड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। और जब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अप्लाई करना होगा, जब आपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में अप्लाई करना होगा लाइक नॉन गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स के लिए, तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं रेज़्यूमे के तौर पर, ताकि उस जॉब पे रिक्वायर्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आप दिखाएं और उसकी बुनियाद पे आप हायर हो जाएं। व्हाई दे शुड हायर यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन जो रेज़्यूमे में आपने एड्रेस करना है मेनली। उसके लिए आपने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल सेट्स को डेमॉन्स्ट्रेट करना है। और अगर रिसर्च बेस्ड जॉब है उसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइक एमफिल, पीएचडी, रिसर्च वर्क, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए टीचिंग की जॉब्स के लिए। और ऐसी बहुत सारी जॉब्स जहाँ डेटा एनालिसिस और इस तरह का रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है। सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर कन्फ्यूजन एंड द क्वेश्चन इज आंसर्ड प्रॉपरली। डिफरेंस बिटवीन रेज़्यूमे एंड सीवी, सो इन एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तानी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री आई वुड रेकमेंड यू गो फॉर रेज़्यूमे एंड फोकस ऑन what you have learned during your academic career and then during your professional exposure and experience and what skill sets you have acquired and how this combination will help the company, the new company, the hiring, the potential employer to grow and thrive in their business. That is how you are going to be selected and your resume will stand out. Thank you so much and I wish you all the best. God bless you. Khuda Hafiz.